इस वीडियो में मैं सारे जो चार तरह के ग्राफ्स हम बनाते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर, उन चारों को एनालाइज कराना एक बार कवर कर दे रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर किसी को डाउट्स आ रहे हैं उसके अंदर इन ग्राफ्स को कैसे रीड करते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थोड़ा सा थ्योरी से स्टार्ट करूंगा कि हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल की यूजुअली हमने दो अजम्पशन पढ़ी जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, पर उनको अगर मैं चार में तोड़ दूं तो पहली अजम्पशन ये है कि लीनियरिटी एक अजम्पशन है कि मेरा एक्स और वाई क्या होना चाहिए उनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप मुझे हमेशा दिखाई देना चाहिए। देन सेकंड अजम्पशन आती है होमोसेडास्टिसिटी की, जहां पे कहता है द वेरियंस ऑफ द रिजल्ट इज सेम फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। इफ यू रिमेंबर जो हमने थ्योरी में पढ़ा तो हमने बोला था ईआई जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड वेरियंस क्या आपका सिग्मा स्क्वायर, कि हर ईआई के लिए जो वेरियंस निकल के आना चाहिए दैट शुड बी अ कॉन्स्टेंट वेरियंस। बस उसी अजम्पशन को अगर हम थ्योरेटिकली बोले तो होमोसेडास्टिसिटी उसका नाम दिया जाता है। इंडिपेंडेंस हम भी मान के चलते कि ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे नॉर्मैलिटी, जैसे मैंने बोला हम क्या मान के चलते हैं कि डेटा हमारा क्या फॉलो करता है नॉर्मल। तो यूजुअली इन चार अजम्पशंस के ऊपर ही हमारा क्या है पूरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना हुआ है। अब हम चार तरह के यूजुअली प्लॉट्स बनाते हैं, जब भी रिग्रेशन मॉडल प्लॉट करते हैं तो हम चार तरह के ग्राफ्स देखते हैं। पहला ग्राफ जो हमारा है दैट इज रेजिडुअल वर्सेस फिटेड वैल्यू, दैट इज द मोस्ट कॉमन ग्राफ, जहां पर हम एक एक्सिस पर रेजिडुअल्स यानी अपने ईआई को दिखाते हैं और दूसरे एक्सिस पर हम अपने वाई हैट को दिखाते हैं। हम इन दो चीजों को क्या करते हैं प्लॉट करते हैं। तो वही कह रहे हैं प्लॉट द ऑर्डिनरी रेजिडुअल्स वर्सेस फिटेड वैल्यूज यूज्ड टू डिटेक्ट द पैटर्न्स फ्रॉम मिसिंग वेरिएबल, कि हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं एक पैटर्न को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये ग्राफ मेनली आपके काम कब आएगा, इसका यूजफुलनेस क्या है, क्या चीज इन्वेस्टिगेट करके दे सकता है ये सर। ये पहली इन्वेस्टिगेशन आपको ये करके दे सकता है इफ लीनियर अजम्पशन होल्ड्स, कि अगर मुझे ये चेक करना है कि लीनियरिटी है या नहीं है उसके लिए मैं चाहूं तो इस ग्राफ को क्या कर सकता हूं यूज कर सकता हूं। दिस इज इंडिकेटेड बाय द मीन रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एवरी फिटेड वैल्यू रीजन बीइंग क्लोज टू जीरो, कि अगर मेरा ईआई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आती है हमेशा जीरो आती है, क्योंकि दैट इज माय अजम्पशन कि ईआई अप्रोक्सीमेटली क्या फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन जीरो एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं वो चीज यहां से चेक कर सकते हैं कि लीनियर वाकई है या नहीं है, और उसको यूज डिटेक्ट करने के लिए बाकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए अजम्पशन होल्ड करती है नहीं है, हम क्या देखते हैं मीन रेजिडुअल देखते हैं हर फिटेड वैल्यू का क्या होना चाहिए दैट शुड बी क्लोज टू जीरो, यानी वाई और वाई हैट के बीच का जो डिफरेंस है दैट शुड बी क्लोज ऑन एवरेज दैट वैल्यू शुड बी क्लोज टू जीरो। कह रहा अगर इसको डिटेक्ट करना तो कह रहा दिस इज शोन बाय द रेड लाइन एंड इज अप्रोक्सीमेटली टू द डैश लाइन इन द ग्राफ, एक रेड लाइन के थ्रू आपको वो दिखाता है ग्राफ में, हम ग्राफ बनाएंगे तब आगे देखेंगे, एंड दिस शुड बी अप्रोक्सीमेट टू द डैश लाइन इन द ग्राफ। डैश लाइन क्या है वो भी अभी बनाऊंगा जब दिखाता हूं, या फिर एक काम करता हूं मॉडल एक बार रन कर देता हूं। अब अगर मॉडल देखोगे तो यहां पे मैंने एक्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सिमुलेट करा है, आई हैव जनरेटेड 500 वैल्यूज फ्रॉम आर नॉर्म यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल की, और मैंने इंटेंशनली क्यूबिक पॉलीनोमियल मतलब वाई और एक्स के बीच में क्यूबिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा है, क्लियरली ये लीनियर नहीं है। और अगर मैं लीनियर मॉडल इसके ऊपर फिट करके प्लॉट बनाता हूं और टाइप क्या दे रहा हूं मैं उसका वन, टाइप क्या दे रहा हूं उसका वन दे रहा हूं, मुझे पता है ये ग्राफ लीनियर नहीं बनना है पर वो समझाने के लिए कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं बस ये एग्जांपल हमने लिया है। तो जहां पे डैश लाइन की बात करें वो ये लाइन है, अगर आप देखोगे रेजिडुअल्स आपका वाई एक्सिस पे चल रहा है, ये वैल्यू है जहां पे रेजिडुअल क्या है आपका जीरो है। तो अगर मेरी रेड लाइन जितना इस जीरो के क्लोज चलती उतना ज्यादा बेटर लीनियर अजम्पशन क्या करेगी मेरा होल्ड करेगी। अगर आप यहां पे देखोगे तो डैश लाइन में और रेड लाइन में कहीं पे भी कोई सिंक नहीं है, विच मीन्स कि जो मेरा डेटा है वो लीनियर अजम्पशन को होल्ड नहीं करता है। फिर ये देखना कि क्या कॉमन वेरिएंस है इसके बीच में या नहीं है, कह रहे हैं स्प्रेड ऑफ द रेजिडुअल्स अप्रोक्सीमेटली सेम अक्रॉस एक्स एक्सिस, कि जितनी वैल्यूज ऊपर जाती हैं एक्स एक्सिस से उतना ही डिस्टेंस पे अगर नीचे आती हैं और ये चीज थ्रू आउट क्या चलती है मेरी सेम चलती है, कि जो डिविएशन है इस लाइन से वो क्या चलता है ऑलमोस्ट सेम चलता है, तो हम बोल सकते हैं कि मेरे एरर्स क्या फॉलो कर रहे हैं कॉमन वेरिएंस उनके बीच में देखने को मिलता है। अगर हम यहां पे देखें तो अगेन वो चीज भी होल्ड नहीं करी, अगर आप इन डॉट्स को देखोगे तो ये ऊपर नीचे बराबर डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं करें, गैप जो है इनके बीच में वो बराबर नहीं है, अगर गैप बराबर होगा तब हम बोलेंगे वेरिएबिलिटी क्या है मेरी सेम रहती है। इफ डेटा कंटेन आउटलायर्स ये भी हम चेक कर सकते हैं, क्या दिस इज इंडिकेटेड बाय सम एक्सट्रीम रेजिडुअल्स दैट आर फार फ्रॉम द अदर रेजिडुअल पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये रेजिडुअल्स यहां पे चल रहे हैं इस केस में इसको एक आउटलायर बोला जा सकता है, इसको एक आउटलायर बोला जा सकता है यहाँ पे 95 आपको दिखाई देता है क्योंकि ये बाकी सारी रिजल्ट वैल्यू से क्या है बहुत दूर जा रहे हैं। तो हम ये तीन प्रॉब्लम्स जो हैं उनका आंसर दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स एंड फिटेड वैल्यू के ग्राफ में, कि पहला क्या लीनियर अजम्पशन होल्ड करती है या नहीं, कॉमन वेरियंस दिखने को मिलती है या नहीं, और डेटा में आउटलायर है या फिर नहीं। तो अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आर का इनबिल्ट डेटा सेट है कार्स का, जिसमें डिस्टेंस और स्पीड के बीच में मैंने एक लीनियर मॉडल सिंपल सा फिट करा है, और यहां पर अगर मैं रेजिडुअल वर्सेस फिटेड का ग्राफ बनाता हूं तो दिस इज हाउ माय ग्राफ लुक लाइक।
अगर आप देखोगे ये रही मेरी डैश लाइन और ये चल रही है मेरी रेड लाइन, अगर आप देखोगे प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में ये बेटर है, अगर देखा जाए प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये लाइन क्या है, जीरो के काफी क्लोज चल रही है। अच्छा क्या ये कॉमन वेरियंस है, तो अगर लाइन्स के आसपास डिविएशन देखें वैल्यूज की तो इनिशियली बहुत, फिर भी आप बोल सकते हो यहां से यहाँ डिविएशन चल रहा है, बट टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखोगे तो लाइन से डिविएशन वैल्यूज का क्या होता चला जा रहा है, आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है डेफिनेटली। यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि कॉमन वेरियंस वाला अजम्पशन वाला जो पार्ट है दैट डजंट सीम्स राइट मेरे को यहाँ पे। हम क्या बोल सकते हैं कि हमें जो स्प्रेड है वो देखोगे आप तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, तो यहाँ पे कॉमन वेरियंस वाला अजम्पशन हमारा होल्ड नहीं करता है। देन कम्स द आउटलायर वाला पार्ट, तो देर आर थ्री आउटलायर, ऑब्जर्वेशन नंबर 23 इज एन आउटलायर, ऑब्जर्वेशन नंबर 35 इज एन आउटलायर, ऑब्जर्वेशन नंबर 49 इज एन आउटलायर, क्योंकि उनमें जो डिविएशन आया है, उनमें जो डिविएशन आया यानी वाई वाई हार्ट के बीच की वैल्यू में जो गैप आ रहा है वो बाकी वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्या रहा होगा, बहुत ज्यादा रहा होगा। तो इन तीन चीजों को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इस ग्राफ के बेसिस पे, रिजल्ट वर्सेस फिटेड के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन द सेकेंड ग्राफ इज योर स्केल लोकेशन ग्राफ। अगर आप देखोगे स्केल लोकेशन प्लॉट आप बनाते हो तो ये करता क्या है, पहले यहां पर तो हमने क्या बोला, एक एक्सिस पर आपका ई आई आ गया, एक एक्सिस पर आपकी क्या आ गई, वाई हैट की वैल्यू आ गई। ये किस किस को प्लॉट करता है, प्लॉट द स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल। हम क्या करते हैं, ई आई नॉर्मल जीरो कॉमा सिग्मा स्क्वायर फॉलो करता है, हम उसको स्टैंडर्डाइज करके अब हमारे वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आएंगे वो स्टैंडर्डाइज एरर आएंगे और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी, ये वो वही रहेगी, वाई हैट ही रहने वाली है। कहता है स्केल लोकेशन प्लॉट इज वेरी सिमिलर टू रेजिडुअल वर्सेस फिटेड, बट प्लॉट द स्क्वायर रूट स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल वैल्यूज की, स्टैंडर्डाइज करके उसका स्क्वायर रूट वो क्या करता है, अगेंस्ट द फिटेड वैल्यू प्लॉट करता है। अगेन दिस इज हेल्प अस टू वेरीफाई द होमोसेडासिटी, कि कॉमन वेरियंस है या फिर नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने में क्या करेगा ये ग्राफ आपका हेल्प करेगा। अगेन कह रहे हैं यहाँ एक रेड लाइन है जिससे हम कुछ कंक्लूड करेंगे और एक हमारा वेरियंस अराउंड द लाइन है, तो एक ग्राफ बना लेते हैं पहले ताकि हम बेटर तरीके देख पाए। तो आपको पता है कि अगर मुझे स्केल लोकेशन प्लॉट चाहिए तो टाइप क्या मैं यूज करूंगा, मैं थ्री यूज करूंगा। सो दिस इज हाउ माय स्केल लोकेशन प्लॉट लुक्स लाइक, ठीक है। अब रेड लाइन का मीनिंग क्या, कह रहा है रेड लाइन रिप्रेजेंट द एवरेज स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू एंड इट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल। ये रेड लाइन जो है वो ऑलमोस्ट क्या आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल आनी चाहिए। कह रहा है द लाइन इज अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन हैज नॉट मच फ्लक्चुएशन इन द लाइन, दैट मींस द एवरेज ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली सेम। वो कह रहे हैं कि अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू चलती है, विच इज कॉमन विद माय अजम्पशन कि हमारे एरर्स का मीन जो है वो क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और वेरियंस भी क्या रहना चाहिए, उसका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वो चीज आप अगर आप देखोगे तो इस स्केल लोकेशन ग्राफ की रेड लाइन से आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखोगे इनिशियली रेड लाइन आपकी बढ़ रही है, बट अगर आप यहां से देखते हो फॉर एग्जाम्पल 210 ले लो इसको, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी 210 वाली वैल्यू है और यहां पर अगर आ जाता हूँ सपोज 350 से थोड़ा पहले है, यहां पर मेरे को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देती है। यानी यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, जो वेरिएशन है, जो एवरेज है, वो एक कॉमन, वो एक कॉन्स्टेंट पेस पे चल रहा है, जो एवरेज स्टैंडर्डाइज वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है। देन कहता है वेरियंस अराउंड दी लाइन, द स्प्रेड ऑफ द स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल्स अराउंड द रेड लाइन डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू द फिटेड वैल्यूज, मींस द वेरियंस ऑफ द स्टैंडर्डाइज वैल्यू ड्यू टू ईच फिटेड वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली सेम एंड नॉट मच फ्लक्चुएशन इन द वेरियंस। कि ये जो डॉटेड लाइन वैल्यूज आप देख रहे हो, ये भी लाइन के इसका जो स्प्रेड होना चाहिए वो क्या चलना चाहिए, एक जैसा चलना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं, लाइन से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं, तो अगेन मेरा सिग्मा स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाला अजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। अगेन एक मॉडल बनाते हैं जहां पे हम x की पावर 4, यानी अगेन y और x के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, हमने एक मॉडल बनाया और हमने यही ग्राफ दोबारा से प्लॉट करा, तो व्हाट यू विल नोटिस है कि आप देख सकते हो आपकी जो रेड लाइन है वो फिर भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट चल रही है, नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट बट आप बोल सकते हो कि रफली वो कांस्टेंट मुझे दिखाई देती है, बट दी वेरिएबिलिटी ऑफ वैल्यूज अराउंड दी लाइन इज चेंजिंग। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू जितना दूर जा रही है लाइन से फिर इतना नीचे आ रही है, यही चीज यहां पर आके गैप क्या हो जाता है मेरा, बहुत कम हो जाता है, कि डॉट्स जो है वो लाइन से बहुत बराबर इवनली स्प्रेड आउट नहीं है, एंड इफ दे आर नॉट इवनली स्प्रेड आउट देन द कॉमन वेरियंस का अजम्पशन, दैट अजम्पशन फेल्स। नेक्स्ट ग्राफ आता है आपका नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट, इसमें मुझे लगता नहीं ज्यादा डाउट होता है, आपको पता ही है नॉर्मल थियोरिटिकल स्टैंडर्ड नॉर्मल की वैल्यूज को अगेंस्ट द एक्चुअल क्वांटिटीज की स्टैंडर्डाइज वैल्यूज के अगेंस्ट प्लॉट करता है, और जितना ये लाइन जितना ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा उतना बेटर हम क्या बोलते हैं कि हाँ कि वाकई वो चीजें जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। वहां पे हमारा सीधा सीधा देखने का लॉजिक ये है कि ये जितना इस डॉटेड लाइन के ऊपर वैल्यूज आएंगी उतना बेटर क्या है मेरा फिट निकल के आ रहा है डेटा, तो इस पे ज्यादा कुछ अपने को डिस्कस करने को है नहीं। देन कम्स द लास्ट रेजिडुअल्स वर्सेस लेवरेज प्लॉट।
अगेन इसमें भी बहुत सारे डाउट आते हैं, ये क्या करता है ये प्लॉट, कुक्स द डिस्टेंस कंपैरिजन ऑफ फिट एट दैट पॉइंट वर्सेस पोटेंशियल फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पॉइंट यूज्ड टू डिटेक्ट एनी पॉइंट दैट हैव सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द रिग्रेशन मॉडल। बेसिकली किस डेटा वैल्यू का, कोई ऐसी डेटा वैल्यू है क्या जो मेरे मॉडल को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, अगर मुझे ये चीज डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए मैं बनाता हूँ रिजल्ट वर्सेस लेवरेज प्लॉट। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑन द मॉडल। Outliers can be influential, though they not. Outliers can be influential, though they don't necessarily have to it, and some points within normal range in your model could be very influential. अब कैसे ढूंढना है इन influential points को, वो ढूंढ रहे हैं। Again, outliers ये क्या कह रहा है? Outliers, leverage observation, influential observation, slope of the line. ये चार चीजों को अपने को basically समझना है। तो आउटलायर हमने बोला डिफाइन एज एन ऑब्जर्वेशन दैट इज लास्ट रेसिडुअल, ये हमें पता है ऑलरेडी, जो बहुत अलग सी वैल्यू दिखाई देगी। लेवरेज ऑब्जर्वेशन उसको बोला गया डिफाइन एज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज अ वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज फार फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स, जो एक्स का मीन होगा उससे अगर दूर जा रही होगी वैल्यू तो हम उसको बोलेंगे दैट इज माई लेवरेज ऑब्जर्वेशन। ये सब स्पॉट करना सीखेंगे अभी। करें इन्फ्लुएंस ऑब्जर्वेशन कौन सी है मेरी, डिफाइंड एज एन ऑब्जर्वेशन दैट चेंजेस द स्लोप ऑफ द लाइन, एक ऐसा बेसिकली पॉइंट जिसकी वजह से मेरी लाइन का स्लोप ही चेंज हो जाता है, यानी उसका इन्फ्लुएंस क्या रहा होगा, बहुत ज्यादा रहा होगा, तभी उसको क्या बोला, दैट इज माय इन्फ्लेशन लाइन। अगर इन्फ्लेशन डिफाइंड एज एन ऑब्जर्वेशन दैट चेंजेस द स्लोप ऑफ द लाइन, दस इन्फ्लेशन पॉइंट हैज लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन द फिट ऑफ द मॉडल। ठीक है, ये तो थ्योरी की बात हो गई। अब हमने क्या करा, हमने एक्स का एक डेटा नॉर्मली यहाँ पे क्रिएट करा जिसमें कोई आउटलायर नहीं है, उसके बेसिस पर हमने वाई बनाया विदाउट आउटलायर। अगेन हमने x का एक और डेटा बनाया विदाउट लायर, करस्पॉन्डिंग y का डेटा लिया अगेन विदाउट लायर, और हमने इनको प्लॉट करा पहले खाली। ये देखो आउटलायर वाली वैल्यूज है जिनको हमने क्या करा है, प्लॉट करा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे जो हमने प्लॉट यहाँ पे बनाया है, तो ये वैल्यूज आप बोल सकते हो क्लियरली क्या है यहाँ पर आउटलायर्स, ये वाली जो वैल्यूज है दोज आर क्लियर योर आउटलायर्स। अच्छा, हमने क्या कहा कि पॉइंट प्लॉट करते हैं जहां पे x की वैल्यू को 17 रखते हैं क्योंकि वही मेरा आउटलायर था जहां पे बनाया था, y की वैल्यू क्या है 19, और उसको ऑरेंज कलर से हम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं कि ये वैल्यू क्या है, मेरी आउटलायर है। ठीक है, कह रहा है अब इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक्स के मीन को प्लॉट कर देते हैं एक वर्टिकल लाइन के थ्रू। एक्स का मीन हमने क्या करा, प्लॉट करा। आप इन कमांड्स को याद रखना आपको जरूरी नहीं है, मैं सब समझाने के लिए कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल भी होने की जरूरत नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन इसके बेसिस पे मैंने एक रिग्रेशन लाइन यहाँ पे क्या करी, फिट करी। अगर आप देखोगे तो ये मैंने वाई ऑन एक्स करा, इसमें मैंने आउटलायर को कंसिडर नहीं करा। देन मैंने एक और मॉडल बनाया जहां पे मैं आउटलायर वाला डेटा लेके क्या कर रहा हूँ, एक रिग्रेशन मॉडल फिट कर रहा हूँ। एंड व्हाट यू विल नोटिस कि ऑलमोस्ट जो लाइन आई है वो उसी के ऊपर आ गई है। तो यहां से क्या समझ में आता है, ये जो आउटलायर वाली वैल्यू थी, इज इट इन्फ्लुएंशियल, क्या ये मेरे प्रिडिक्शन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस डाल रही है? तो आंसर इज नो। तो आंसर क्या है इसका, नो। तो ऐसे को अब एक बार इस पॉइंट को दोबारा से देखें, ये हाँ। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, ये जो पॉइंट मेरा निकल के आया, अगर आप यहां पे देखते हो ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है ये आउटलायर था, बट इसका जो इन्फ्लुएंस था वो मेरे प्रिडिक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि जो स्लोप मेरा पहले आ रहा था लाइन का वही स्लोप क्या आ रहा है मेरा अभी भी आ रहा है। सो ऑल्दो दैट पॉइंट इज एन आउटलायर बट दैट हैज लो इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा आपका, लो इन्फ्लुएंस रहने वाला है। अच्छा, देन हमने दोबारा एक मॉडल बनाते हैं एक्स वन विदाउट आउटलायर वैल्यूज है, देन हमने उसके अंदर आउटलायर्स एड करे और हमने प्लॉट करा, और अगर हम उस आउटलायर वाले पॉइंट को अगेन और इसे शेड करते हैं तो दिस पॉइंट इज क्लियरली एन आउटलायर जो आप देख सकते हो। हमने क्या करना है, अगेन एक मीन वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, ये मेरे एक्स के मीन की वैल्यू आ चुकी है, एंड योर ए बी लाइन ये उस मॉडल की लाइन रिग्रेशन लाइन है जिसमें कोई आउटलायर नहीं है, और ये उस मॉडल की रिग्रेशन लाइन है जिसमें अगेन इसमें आउटलायर है। फिर से अगर आप देखोगे तो स्लोप में देर इज हार्डली एनी चेंज, स्लोप में आप क्या देखोगे, देर इज हार्डली एनी चेंज, एंड क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो अगेन हम क्या बोलेंगे, इस आउटलायर का देर इज वेरी लो इन्फ्लुएंस, मेरे डेटा के ऊपर क्या है इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा लो है। बट अगर आप इस ऑरेंज वाली वैल्यू का मेरी मीन वैल्यू से डिस्टेंस देखेंगे, अगर आप लेवरेज के डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, तो डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशन दैट हैज अ वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज फार अवे फ्रॉम मीन ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू जो है वो एक्स के मीन से बहुत दूर है, तो ऑल्दो ये पॉइंट की लेवरेज क्या थी, बहुत हाई थी, बट इसका इन्फ्लुएंस क्या रहा, तब भी बहुत लो रहा। दो वर्ड्स हैं लेवरेज और एक क्या है मेरा इन्फ्लुएंस। लेवरेज क्या दिख रहा है, खाली मीन से कितना दूर है वैल्यू, जितना ज्यादा दूर होगी उतना ज्यादा लेवरेज होगा, और आउटलायर के बेसिस पर अगर लाइन का स्लोप चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे कि उसका इन्फ्लुएंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तीसरा मॉडल देखते हैं, विदाउट आउटलायर, हमने आउटलायर एड करे, हमने प्लॉट बनाया,
तो आप देख सकते हो प्लॉट, अगर आउटलायर वैल्यूज को मैं यहाँ पे दिखा दूं तो ये दो वैल्यूज क्लियरली क्या है, मेरी आउटलायर। यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यूज क्लियरली क्या है, मेरी आउटलायर है। अगेन मैं अपना मीन प्लॉट कर देता हूँ, ये मेरा मीन वैल्यू है। मेरा मॉडल की लाइन जो मेरे विदाउट आउटलायर, सॉरी विद आउटलायर वाला नहीं, सॉरी ये विदाउट आउटलायर वाला लाइन है, क्या मेरे डेटा में आउटलायर्स नहीं है तो ये मेरा स्लोप आता है लाइन का। एंड इफ आई एड आउटलायर्स दिस इज दी लाइन का स्लोप। अब आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि इन वैल्यूज ने लाइन के स्लोप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऑल्सो दीज वैल्यूज आर वेरी फार अवे फ्रॉम द मीन, इस वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पर देर इज हाई लेवरेज एज वेल एज देर इज हाई इन्फ्लुएंस। यहाँ पे लेवरेज भी ज्यादा है और यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी क्या है, मेरा ज्यादा है। तो ये इस तरीके से आप बेसिकली रीड करते हो अपने रेजिडुअल वर्सेस लेवरेज के ग्राफ को, अगर आप रीड करना चाहते हो तो। नाउ अब अगर मैं इसका प्लॉट बनाता हूं, मान लो ये जो मॉडल मैंने बनाया इसका मैं टाइप 5 करके एक बार प्लॉट बनाता हूं। मॉडल ये रहा, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। एंड टाइप इज माय 5। यहाँ पे आपके स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल है, यहाँ पे आपका रेजिडुअल वर्सेस लेवरेज है, यहाँ पे कुछ इस एक ही ग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आए हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे दो आउटलायर है और इन दो आउटलायर में जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू निकल के आ रही है, लेवरेज की जो वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज क्लियरली हायर देन द अदर टू वैल्यूज। अगर आप देखोगे यहाँ पे लेवरेज की जो वैल्यू है वो क्या है, आपका बहुत कम वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देती है एज कम्पेयर टू जो लेवरेज की वैल्यू आपको इन दो आउटलायर्स के लिए दिखाई देती है। सो दीज आर दी फोर टाइप ऑफ ग्राफ्स जिसको आपको क्या करना होता है, यूजुअली आंसर करना होता है। और मुझे लगता है कि अब आपको ग्राफ्स को एनालाइज करना आ चुका होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।